टॉप 4 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। तो सैमसंग स्मार्टफोन जो ब्रांड है ना, वो अपने बहुत ही अच्छे डिस्प्ले की क्वालिटी, कैमरे की क्वालिटी और वन यूआई के यूजर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। और ना सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड है। तो अगर आप भी अभी के टाइम पे कोई बेस्ट नॉन चाइनीज सैमसंग का ही स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। वैसे तो इस बजट में बहुत सारे सैमसंग के स्मार्टफोन से नए पुराने सारे मिला देता हूं, बाकी मैंने आज आपके लिए गिने चुने 4 बेस्ट और लेटेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है, जो कि आपके लिए आपके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट होने वाले हैं 10,000 से लेकर 15,000 के बजट में। और कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको अभी के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। बात करूं अगर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको पावरफुल का 5G प्रोसेसर मिलने वाला है, उसके साथ साथ ब्यूटीफुल एमोलेड तक की डिस्प्ले मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे कैमरे की क्वालिटी और ओवरऑल आपको एक बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। तो बिना किस देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है, वह था सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A05। तो दोस्तों, अगर आपको 10,000 के बजट रेंज में कोई सा एक लेटेस्ट और बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो अभी के टाइम पे आप गैलेक्सी A05 के साथ जरूर जा सकते हैं। बात करें स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की HD+ वाली एक PLS LCD पैनल मिल जाती है, जो कि ड्रॉप नॉच वाली पैनल है। 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट है और 3.5mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से हीलियो G85 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि बजट के अकॉर्डिंग आपको ठीक ठाक से परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है, 1A 5.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी और 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा सपोर्ट मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, दूसरा कैमरा 2MP का और फ्रंट में आपको 8MP का सेल्फी जूटर मिलेगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, स्लो मोशन पे 120fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे HD पे। उसके साथ साथ वर्चुअली रैम एक्सपांड करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको 2 साल तक के मेजर OS अपडेट, 4 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो करंटली स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरियंट आपको मिलेगा 9,999 रुपीज में। बात करो अगर कुछ कॉन्स की, तो यहाँ पर आपको एक HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं दिया गया है। अगर आपको एक कोई से लेटेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए 10,000 के अंडर तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस बजट में आपको सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M13 और F13 भी देखने को मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस वाइज इतने अच्छे नहीं है, बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वहां भी अच्छी है। A05 का ही एक दूसरा वर्जन A05 SB लॉन्च हुआ है इंडिया में रिसेंटली, वहां पर आपको स्नैपड्रैगन 680 वाला प्रोसेसर मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया और 13MP वाला कैमरा है। 4G स्मार्टफोन और प्राइसिंग 11,500 के आसपास है, जो कि मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इस बजट में आप गैलेक्सी F14 5G के साथ जा सकते हैं, जो कि एक फार बेटर ऑप्शन है। और यही है हमारी लिस्ट का नंबर 3 वाला स्मार्टफोन, जो कि है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F14 5G। तो अगर आपका बजट रेंज अभी के टाइम पे 12,000 के आसपास है तो आप इस बजट में गैलेक्सी F14 5G के साथ जरूर जा सकते हैं। बात करें स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली एक इनसेल IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है, जो कि एक ड्रॉप नॉच V वाली पैनल है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट दिया गया है, 3.5mm का हेडफोन जैक और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। यहाँ पर आपको सैमसंग की ही तरफ से एक्सिनोस 1330 वाला प्रोसेसर मिलता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है, 1UI 5.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 6000mAh की एक बिग बैटरी दी गई है, जो कि 25W के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, दूसरा कैमरा 2MP का, फ्रंट में आपको 13MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। सैमसंग का स्मार्टफोन है तो बजट के अकॉर्डिंग आपको कैमरे की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है, 1080p तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो करंटली स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलने वाला है 11,999 रुपीज में। इस बजट में आपको सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A05s और सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M13 5G को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि A05s में एक 4G प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन इतनी कुछ खास नहीं है और M13 5G थोड़ा सा पुराना हो चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है, वह आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M14 5G। दोस्तों, अगर आपका बजट 12,000 से 15,000 के आसपास है और इस बजट में आपको कोई सा बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो गैलेक्सी M14 5G आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहने वाली है। बात करें स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली PLS LCD पैनल देखने को मिल जाती है, जो कि एक ड्रॉप नॉच V वाली पैनल है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है। यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस 1330 वाला प्रोसेसर मिलता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है, 1A 5.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 साल तक के मेजर OS अपडेट्स और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिल जाएंगे। 6000mAh की बिग बैटरी और 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। बात करें कैमरे की, तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, दूसरे और तीसरा कैमरा 2+2MP का है, फ्रंट में 13MP का सेल्फी जिटर दिया गया है। यहाँ पर आपको स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, डिजिटली 10x
तक जूम कर पाएंगे। उसके साथ साथ नाइट मोड, पोर्ट्रेट और प्रो मोड जैसे बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिलने वाले हैं। फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो करंटली स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 12,490 रुपीज में। अगर आपको एक हायर वेरियंट चाहिए 6 प्लस 128GB रोम वाला, तो उसे आप परचेस कर पाएंगे 13,999 रुपीज में। बाकी अगर मैं आपको बताऊं इस स्मार्टफोन की सेल प्राइसिंग, तो अगर आप वेट करते हैं सेल का या फिर स्पेशल ऑफर का, तो वहां पर आपको ये स्मार्टफोन का बेस वेरियंट विदाउट एनी बैंक ऑफर 10999 से 11999 में देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी डील है। और इस बजट में आपको सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F23 और A14 5G भी देखने को मिल जाते हैं। F23 तो खैर थोड़ा पुराना हो चुका है, बाकी वहां पर आने वाले टाइम में अपडेट्स ना के बराबर मिलने वाले हैं। दूसरा स्मार्टफोन जो है A14 5G, उसे आप कंसीडर कर सकते हैं, पर क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन आपको M14 5G में देखने को मिल जाती है और कम प्राइसिंग में मिलती है, तो आपको M14 5G को ही कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है, वह था सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F34 और गैलेक्सी M34। तो इस स्मार्टफोन को मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और वेट कर सकते हैं सेल का फिर स्पेशल ऑफर का। तो 16,000 से 17,000 के बजट में सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F34 या फिर M34 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहने वाली है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको एक फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, 4K तक क्या वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, मतलब ओवरऑल एक इस बजट में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। M34 और F34 में आपको स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम टू सेम मिलती है, आप किसी भी स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। बात करें स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस, कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट, 3.5mm का फोन जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस 1280 वाला प्रोसेसर मिलता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है, वन यूएफ 5.1 पे वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। और आप इस स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 साल तक के मेजर OS अपडेट्स और 5 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिल जाएंगे। 6000mAh की एक बिग बैटरी और 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। बात करें कैमरे की, तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, OIS का सपोर्ट मिल जाता है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2MP का दिया गया है। फ्रंट में आपको 32MP का सेल्फी जूटो मिल जाएगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 4K तक के वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, OIS का सपोर्ट दिया गया है, उसके साथ साथ फोटो रिमास्टर, ऑब्जेक्ट इरेजर जैसे बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाएंगे। सैमसंग का स्मार्टफोन है, तो कैमरे की क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, उसके साथ साथ सैमसंग के 9 से सिक्योरिटी मिल जाएगी, रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट दिया गया। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो करंटली स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको करंटली 18999 में मिलता है। देखो प्राइसिंग है ना, फ्लक्चुएट होती रहती है, अभी के टाइम पे प्राइसिंग बढ़ी हुई है। अगर आप वेट करते हैं सेल का, तो सेल में यह स्मार्टफोन आपको आराम से 15999 से 16999 में मिल जाएगा। और अगर आप इंक्लूडिंग बैंक ऑफर परचेस करते हैं, तो आराम से अंडर 15,000 के बजट में भी आपको यह स्मार्टफोन मिलने वाला है। और बाकी मैंने और भी सैमसंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताया है, जिन्हें आपको अभी के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी सैमसंग स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। भाई दोस्तों, आज की इस जबरदस्त वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।